नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। मणिमहेश यात्रा में 20 रुपये पंजीकरण शुल्क, सड़क किनारे नहीं लगेंगे, लंगर बैठक में हुई प्रबंधों की चर्चा। प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। पंजीकरण करवाने के लिए श्रद्धालुओं को 20 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं यात्रा प्रबंधों को पुख्ता बनाने के लिए उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक के दौरान चर्चा की गई। वहीं उपायुक्त ने कहा कि जिले में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। संबंधित विभागों को तय सीमा के भीतर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनानी होगी। यह निर्णय भी लिया गया कि बेहतर आपदा प्रबंधन और सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित होगी। वहीं श्रद्धालुओं को 20 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। चंबा से मणिमहेश डल झील तक उचित कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए सेक्टरों में बांटे जाने और भरमौर चंबा नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए। हाटी जनजातीय बिल राज्यसभा से भी पारित, अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिए जाने का बिल आज राज्यसभा से भी पारित हो गया। यह बिल लोकसभा में बीते वर्ष 16 दिसंबर को ध्वनिमत से पारित हुआ था। दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को मंजूरी प्रदान की थी। यह मांग 2 लाख लोगों से जुड़ी है, जिसका इंतजार समुदाय के लोग पिछले 5 दशक से कर रहे हैं। अग्निवीर भर्ती ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों की भर्ती रैली 3 सितंबर से। अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवाओं के लिए 3 से 9 सितंबर तक लुहणू मैदान में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल बीएस भंडारी ने बताया कि रैली के लिए पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कर्नल भंडारी ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वो भर्ती के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट एक अच्छे रंगीन प्रिंटर से ही निकाल कर लाएं। रामपुर के कांधार में फटा बादल, प्राथमिक स्कूल और युवक मंडल भवन समेत 4 मकान बहे। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की सरापार पंचायत के कांधार गांव में मंगलवार रात करीब 12:08 पर अचानक बादल फटने से आई बाढ़ में प्राथमिक स्कूल, 2 खेल मैदान, युवक मंडल भवन समेत 4 मकान बह गए, जबकि 10 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। सेब के बगीचों को भी नुकसान पहुँचा है। वहीं कई मकानों में पानी घुस गया है। 6 गायें और 15 भेड़ बकरियां बह गईं। क्षेत्र की मुख्य सड़क भी जगह जगह बाधित हो गई है। लोगों ने भागकर जान बचाई है। दूसरी ओर शिमला और सोलन में भी मंगलवार रात भारी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल और परसों के लिए भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 1 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी व किन्नौर जिले में अगले 24 घंटों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों को नदी नालों के किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। एचपीयू शिमला के धर्मशाला केंद्र ने 31 जुलाई तक भराई आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू शिमला के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र खनियारा धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं केंद्र के निदेशक प्रोफेसर डीपी वर्मा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने एमए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, एमकॉम, एमएससी, गणित, एमबीए, एमसीए 2 वर्ष कोर्स के अलावा एलएलबी 3 वर्षीय कोर्स के लिए आवेदन किया है और प्रवेश परीक्षा पास की है, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर अर्जित किए अंक दर्ज कर 31 जुलाई तक जमा करवा सकेंगे। वहीं आवेदन केंद्र में जमा करवाने होंगे। क्षेत्रीय केंद्र में संचालित किए जा रहे एमएससी भूगर्भ विज्ञान PGDCA में नए सत्र में मेरिट के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। वहीं इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन तय की अंतिम तिथि को शाम 5 बजे तक जमा करवाने होंगे। नुकसान के आकलन के लिए जिलों में राहत और पुनर्वास कमेटियां गठित।
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा भारी वर्षा, बादल फटने, भूस्खलन के कारण जिलों में हुए नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों के त्वरित संचालन के लिए हर जिले में राहत एवं पुनर्वास कमेटी गठित की गई है। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया कमेटी के अध्यक्ष, वहीं विधायक और जिला विभागीय अधिकारी इसके सदस्य होंगे। वहीं ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अध्यक्ष, बिलासपुर में मंत्री धनीराम शांडिल, हमीरपुर में मंत्री चंद्र कुमार अध्यक्ष, शिमला में मंत्री हर्षवर्धन चौहान को अध्यक्ष, कांगड़ा और लाहौल में मंत्री जगत सिंह अध्यक्ष, किन्नौर में मंत्री रोहित ठाकुर अध्यक्ष, सोलन में मंत्री अनिरुद्ध सिंह अध्यक्ष, मंडी में मंत्री विक्रमादित्य अध्यक्ष, कुल्लू में CPS सुंदर सिंह ठाकुर अध्यक्ष बनाए गए हैं। औषधीय पौधों से महकेंगे हिमाचल के सरकारी स्कूल, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल जल्द ही औषधीय पौधों की खुशबू से महकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पौधे रोपने के लिए इच्छुक स्कूलों का ब्यौरा मांगा है। वहीं आज सभी जिला उपनिदेशकों को जारी पत्र में शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि आयुष विभाग पौधे उपलब्ध करवाएगा। वहीं अगस्त से यह अभियान शुरू होगा। उन्होंने पौधे रोपने के लिए तैयार स्कूलों से अपनी मंजूरी से संबंधित जानकारी निदेशालय को देने के लिए कहा है। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रियों से की भेंट, प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आपदा के चलते सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के आधारभूत ढांचे को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है। ठाकुर ने गडकरी को प्रदेश में हुए इस नुकसान की जानकारी दी और उनसे हिमाचल प्रदेश में आकर स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश को हर उचित सहायता देने का आश्वासन दिया है। सरकार ने 22 BDO के किए तबादले, कीर्ति चंदेला परियोजना निदेशक शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 खंड विकास अधिकारियों BDO के तबादले किए हैं। सचिव ग्रामीण विकास प्रियंतु मंडल ने तबादला आदेश जारी किए हैं। यशपाल को परियोजना निदेशक बिलासपुर, ओम प्रकाश को परियोजना निदेशक चंबा, राजकुमार को परियोजना निदेशक हमीरपुर, चंद्रवीर को परियोजना निदेशक कांगड़ा, सिकंदर को परियोजना निदेशक किन्नौर और वहीं पारुल कटियार को परियोजना निदेशक लाहौल स्पीति, जयवंती को परियोजना निदेशक कुल्लू, कीर्ति चंदेल को परियोजना निदेशक शिमला लगाया गया है। हिमाचल बिजली बोर्ड चेयरमैन को मिल सकती है एक्सटेंशन, कर्मचारी भड़के, बोले IAS राम सुभग के कार्यकाल में दयनीय हो गई बोर्ड की स्थिति। हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुखू के प्रिंसिपल एडवाइजर एवं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन राम सुभग सिंह को अंतर्खाते एक्सटेंशन देने की तैयारी चल रही है। IAS राम सुभग सिंह 5 दिन बाद यानी 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले ही उन्हें एक्सटेंशन देने की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं बताते चलें कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बोर्ड की हालत ज़्यादा बिगाड़ने वाले अधिकारी को एक्सटेंशन न दिया जाए। गौर रहे कि पहले भी बोर्ड कर्मचारी चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं और मुख्यमंत्री से उन्हें बिजली बोर्ड से हटाने की मांग कर चुके हैं। वहीं इस पर बिजली बोर्ड कर्मचारी भड़क गए हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया कि मौजूदा चेयरमैन के कार्यकाल में विद्युत बोर्ड की स्थिति ज़्यादा दयनीय हुई है। आलम यह है कि बिजली बोर्ड के पास कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।